तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी या हाइगन प्रिंसिपल। तो इमेजिन करो ये आपके सामने दो मीडियम्स हैं, ये रहा ये डेंसर मीडियम है, यहां स्पीड कितनी है लाइट की c2, और ये रेयर मीडियम है स्पीड कितनी है यहां पर c1। तो अपने मन में इमेजिन कर सकते हो जैसे ये एयर है और ये जैसे वाटर है, तो लाइट एंटर कर रही है एयर से वाटर या रेयर से डेंसर, एक ही बात है। तो इमेजिन करो कि इस इंटरफेस पे है ना, इस इंटरफेस के ऊपर ये देखो इससे पहले लाइट आ रही थी, ये वेव फ्रंट है, देखो ये वेव फ्रंट है। अब वेव फ्रंट बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है। अब ये एंटर करने जा रहा है किसमें, डेंसर मीडियम में। प्रॉब्लम ये है कि वेव फ्रंट टेढ़ा है। देखो अगर तो वेव फ्रंट बिल्कुल सीधा होता प्रॉब्लम ही कोई नहीं थी, ये एंटर कर गया बात खत्म। और सबको पता है कि अगर रेयरर से डेंसर में लाइट को सीधा एंटर करवाओ, किसी भी रे को सीधा फेंको, तो बेंडिंग नहीं होती, क्योंकि नॉर्मल के साथ जा रही होती है, उसकी बेंडिंग नहीं होती, तो वेव फ्रंट की भी बेंडिंग नहीं होती। तो अब उसने क्या कहा, क्योंकि वे ये टेढ़ा आ रहे, और टेढ़ा आ रहे तो का मतलब है कि अगर ये नॉर्मल है, अगर ये नॉर्मल है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, इसमें और इसमें एंगल 90, तो ये कितना 90 माइनस आई है, नॉर्मल में और इसमें एंगल 90, तो ये कितना है, ये आई है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया आई। और अगर रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो ये क्या है, ये एक नॉर्मल है, जाती हुई रे ने नॉर्मल के साथ एंगल क्या बनाया, आर। तो मुझे पता है कि ये जो रे है वेव फ्रंट के साथ एंगल क्या बनाएगी, 90, तो ये कितना है 90 माइनस आर, और ये कितना हो जाएगा आर। पर चलो इसकी बात बाद में करते हैं, इसकी तो कर भी सकते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता कि पानी में वेव फ्रंट बनेगा कैसे। हाँ एक बात पक्की है, वेव फ्रंट ऐसे तो बनेगा नहीं, ये लास्ट वेव फ्रंट था एयर में, इसके अब सीधा किस में बनेगा, पानी में बनेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आधा एयर में आधा पानी में चल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, प्लेन वेव फ्रंट प्लेन ही रहता है। तो इसका अगला वेव फ्रंट हाइगन ने बताया कैसे बनाना है। तो कैसे बनाना है, रूल नंबर वन, पानी के अंदर वेव फ्रंट तब तक तैयार नहीं होगा जब तक ये वाली लाइट पानी में एंटर नहीं करेगी, डेंसर में एंटर नहीं करेगी, क्योंकि ये तो एंटर पहले कर ही गई, ये भी बात उसके बाद कर जाएगी, पर जब तक ये नहीं करेगी तब तक वेव फ्रंट तैयार नहीं होगा वाटर का। तो जैसे ही एंटर करेगी ये वेव फ्रंट का क्या बनेगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। तो वेव फ्रंट का स्टार्टिंग पॉइंट पता लग गया, तो पहला रूल पता लग गया। दूसरा रूल भी पता लग गया कि वेव फ्रंट बनना तो प्लेन ही है, बनेगा तो स्ट्रेट लाइन ही या प्लेन बनेगा। अब ये उसने दिमाग लगाया कि अगर यहां से यहां वेव फ्रंट में लाइट को यहां से यहां आने में टाइम लगा टी, तो उस दौरान यहां मीडियम में लाइट जो है टी टाइम में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर गई होगी ऑब्वियसली, क्योंकि इसे मीडियम चेंज कर लिया, इसकी स्पीड यहां पर स्लो होगी, उसकी स्पीड अभी भी तेज है, क्योंकि इसकी स्पीड एयर में कितनी है टी1 और पानी में कितनी है c2 है। तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया यहां से यहां तक, c1 इंटू टी। तो हाइगन ने कहा कि टी टाइम में, क्योंकि एक डिस्टर्बेंस जब दूसरी जब एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट पे जाने का टाइम हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, चाहे मीडियम चेंज हो जाए तब भी सेम रहता है, क्योंकि टाइम मिसमैच हो गया, एक डिस्टर्बेंस एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट पहुंचने में एक घंटा लगा रही है और एक मिनट, तो वेव फ्रंट प्लेन कैसे बनेगा, नहीं बन सकता, इकट्ठा पहुंचना जरूरी है, कोई स्लो चले कोई फास्ट चले लेकिन टाइमिंग इकट्ठा रहेगा, ये याद रहे ठीक। चाहे मीडियम चेंज हो जाए तो भी टाइम सेम रहेगा, कहने का मतलब कि ये यहां से यहां टी टाइम में आया तो वेव फ्रंट स्टार्ट हो गया, उस दौरान टी टाइम में इसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, और इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, c2 इनटू टी। तो हाइगन ने कंपास लिया, ये वेवलेट बनाया, एक यहां से वेवलेट बना और यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया वेवलेट के ऊपर, तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसके बीच में और कोई वेव फ्रंट नहीं बनेगा, तो ये मेरा कौन सा वेव फ्रंट है, प्राइमरी, और उसके बाद डेंसर में क्या बनेगा, सीधा, बीच में कुछ नहीं तैयार होगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कि उसने कैसे इसको रिफ्रैक्शंस को कैसे वेव फ्रंट की थ्योरी से समझाया, ठीक है यहां तक। अब इसमें अगर मैं ये डिस्टेंस लूं, तो मैंने बताया c1 इंटू टी और ये डिस्टेंस कितना है c2 इंटू टी। तो अगर मैं एक ट्राइंगल ये लूं, मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन ऑफ आई की वैल्यू लें तो क्या आएगी, c1 इंटू टी डिवाइडेड बाई a डैश। और ऐसी इस नीचे वाले ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, क्योंकि 90 डिग्री ऐसे बनता है, ये 90 डिग्री ऐसे बनता है, तो यहां पे साइन ऑफ आर लें अगर, तो वो क्या बनेगा, c2t डिवाइडेड बाय a डैश, ठीक हो गया। और अगर हम इन्हें डिवाइड करें साइन आई बाय साइन आर,
तो डिवाइड करके ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, सी वन टी बाय सी टू टी, टी से टी कैंसल, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यही क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। तो आपके न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ऐसा डायग्राम बना के देगा ऑब्जेक्टिव के अंदर, मैं आपको शीट भी दूंगा, तो आपको ये ट्राइंगल्स याद रखने हैं कि कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेंगे। तो हो सकता है वो आपको एंगल यहाँ 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ ऐसा दे दे और आपसे म्यू पूछ ले डायग्राम, तो आप मेरे ख्याल समझ में आ रहा है कैसे है। तो ये मैंने लिख दिया, इसमें दोनों ट्राइंगल में साइन आई साइन आर डिवाइड करेंगे तो म्यू आएगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें?